दोस्तों बहुत दिन से देखने को मिल रहा है, मेरे चैनल पर कमेंट भी आ रहा है, मिर्च के पौधे का जो ऊपर का भाग होता है वो इस तरीके से सूख कर एकदम पूरा पौधा खत्म हो जा रहा है। और इसके बारे में बहुत सारे दुकानदार दवाई भी डाल रहे हैं लेकिन इसका जो काम है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और हमने भी बहुत सारे अलग अलग दवा को हमने मिर्च के पौधे के ऊपर छिड़काव किए हैं इस बीमारी के ऊपर, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। तो आखिर कौन सी दवा है जिसको एक बार में हम लोग छिड़काव करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। क्योंकि ये बीमारी जो है ये एक नया बीमारी है और ये पहले तो इस तरीके से बीमारी नहीं हुआ करता था मिर्च के पौधे के ऊपर, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रकोप कब मिलता है, कैसे मिलता है और ये किसके कारण होता है, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी एक बार एक ही दवा को छिड़काव करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं मिर्च के प्लॉट में आ गए हैं और आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि ये जो बीमारी है किस तरीके से होता है और कैसे होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो मिर्च का पौधा है इसका जो ऊपर का भाग होता है कुछ इस तरीके से नीचे सूख कर, नीचे एकदम पूरा इसका जो तना होता है वो एकदम सूख कर नीचे खत्म हो जा रहा है और धीरे धीरे जो पत्ता होता है वो भी पीला पड़ रहा है और पूरा पौधा एकदम धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। क्योंकि ये बीमारी एक ऐसा खतरनाक बीमारी है, बहुत सारे अलग अलग फंगिसाइड को इसके ऊपर छिड़काव करते रहते हैं किसान भाई, लेकिन ये कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो बीमारी है इसको हमने एक ही दवा को स्प्रे करके तुरंत इसको कंट्रोल किया है। वो कौन सी दवा है, कैसे कंट्रोल किया है वो आगे जाके आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ये बीमारी को आप लोगों को पहचानने का जो तरीका होता है कि जैसे कि सीधा साधा पौधा जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और शुरुआती अवस्था में जो पत्ता होता है वो पीला पड़ने लगेगा और वो पत्ता आप लोगों को जैसे वो प्लांट को इस तरीके से मतलब हिलाएंगे तो वो जो पत्ता होता है वो एकदम नीचे गिर जाएगा कुछ इस तरीके से और उसके बाद ऊपर का जो तना होता है वो आप लोगों को इस तरीके से धीरे धीरे सूख कर पूरा पौधा एकदम खत्म हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को हम बताएंगे कि इसको कौन सी ऐसा दवा को छिड़काव करके आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक फंगल जनित बीमारी है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ज्यादातर ये बीमारी आप लोगों को फेब्रुआरी और मार्च महीने में देखने को मिलता है क्योंकि पता है इस समय फेब्रुआरी महीने में थोड़ा थोड़ा ठंडा रहता है मौसम और उसके बाद जैसे मार्च महीना आने लगता है उस समय धीरे धीरे गर्मी पड़ने को देखने को मिलता है और उसी समय ये बीमारी फैलता है। तो आप लोग जब दवा को छिड़काव कर रहे हैं तो उस समय आप लोगों को एक टॉनिक जो आता है बाजार में पीजीआर मिलता है, बहुत सारे पीजीआर मिलता है लेकिन अच्छा जो ब्रांड का आता है और अच्छे मौसम के खिलाफ काम करता है, तनाव के खिलाफ लड़ने के लिए काम करता है, उसी दवा को छिड़काव करना है। और आप लोगों को बता देते हैं जो भी दवा आप लोग छिड़काव कर रहे हैं कभी भी आप लोगों को लोकल ब्रांड का नहीं लेना चाहिए। जैसे आप लोग कोई भी दवा लेते हैं बाजार में तो आप लोगों को ब्रांडेड दवा ही लेना चाहिए। तो कैप्टन और हेक्साकोनाजोल का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, सबसे अच्छा जो मिलता है टाटा कंपनी का ताकत नाम पे मिलता है और भी बहुत सारे लोकल कंपनियों को मिलता है लेकिन उसको आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। टाटा का ताकत को आप लोग ले लीजिएगा और 30 ग्राम आप लोगों को मिलाना है, उसके साथ साथ आप लोगों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 2 ग्राम मिलाना है। उसका भी बहुत सारे अलग अलग लोकल कंपनियों का मिलता है लेकिन लोकल कंपनियों का आप लोगों को नहीं लेना है। जैसे कि आप लोगों को टैगमाइसिन लेना है, उसके अलावा और भी बहुत सारे आता है उसको लेना है और 2 ग्राम आप लोगों को माइसिन को लेना है और जो टाटा का ताकत आता है उसको आप लोगों को 30 ग्राम लेना है और अच्छी तरीके से घोल बना के आप लोगों को पहला छिड़काव कर देना है शाम के समय और उसके बाद सेकेंड छिड़काव आप लोग जब कर रहे हैं उस समय पर आप लोगों को एक टॉनिक को लेना है जो कि बाजार में क्वांटिस नाम पे मिलता है या फिर एम्बिसन नाम पे मिलता है या फिर और भी बहुत सारे अच्छा दवा मिलता है ब्रांडेड कंपनियों का, उसको आप लोगों को 30 से 40 ml लेना है और उसके साथ साथ आप लोगों को कैब्रियोटॉप जो फंगिसाइड आता है BSF कंपनी का उसको आप लोगों को 50 ग्राम लेना है और इस दोनों को मिला करके आप लोगों को 6 से 7 दिन बाद सेकेंड स्प्रे कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों इस बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए अगर इस दवा को छिड़काव करते हैं तो आसानी से वो कंट्रोल हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।